हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू महेश काबड़े ब्लॉग्स। आज हम आए हैं नंदीकेश्वर टेंपल। अगर आपको याद होगा तो मेरे पिछले ब्लॉग में मैं गया था गोवर्धन इको विलेज। वहां से 32 किलोमीटर दूर है ये नंदीकेश्वर टेंपल। कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है और ये मंदिर ज़्यादा फेमस है यहाँ के मैजिकल 3 टाइप्स ऑफ फिशेज के दर्शन लेने के लिए। हम ब्रिज से आगे जाकर लेफ्ट में यू टर्न लेके नीचे गाड़ी को पार्क करेंगे, जहाँ पे एक तरफ नदी का एक खूबसूरत नज़ारा है तो दूसरी तरफ वो गॉड फिशेस है। तो आप देख पा रहे हो मंदिर बिल्कुल मेरे सामने है। मंदिर जाते वक्त सबसे पहले हमें दर्शन होंगे नंदी जी के। मंदिर के यहाँ से काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं और अगर आपको भगवान को कुछ प्रसाद चढ़ाना है तो ये आंटी यहाँ पर अवेलेबल होती है, जहाँ आप भगवान के लिए कुछ प्रसाद लेकर जा सकते हो। कहते हैं कि ये मंदिर यहाँ पर पहले से स्वयंभू रूप में निर्मित थी और जब द्वापर युग में पांडव यहाँ से गुजरे तो उन्होंने इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। आसपास के जितने भी गांव है, शाहपुर, वाड़ा, विक्रमगढ़, बहुत सारे जगह से यहाँ पर भक्त आते हैं, नॉट ओनली फॉर शिव दर्शन बल्कि यहाँ पे सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन कुछ फिशेस दिखती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3 टाइप के मैजिकल फिशेस यहाँ पे है, जिसे यहाँ के लोकल बुलाते हैं टुकड़ा मासा, नथनी मासा और देवगुणी मासा। क्योंकि ये नदी उत्तर से दक्षिण बहती है तो यहाँ दशक्रिया विधि की जाती है। ये जो मेरे ठीक सामने आप दरार देख रहे हो दो पहाड़ों के बीच में, कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ से गए थे तो उनका रथ इन पत्थरों पर से चला था और राइट और लेफ्ट दोनों तरफ ये बड़ी बड़ी खाई बन गई थी। तो इन मछलियों की कुछ ऐसी स्टोरी थी कि यहाँ के जो मछुआरे होते उनमें से किसी एक ने मच्छी पकड़ी थी यहाँ की और घर पे जाके उसे पकाने की कोशिश कर रहा था काट के, बट बहुत देर हो गई, लगभग 2-4 घंटे बीत गए, वो मछली पक ही नहीं रही थी। तो उसने सोचा कि ये कुछ अजीब है और मछली को उसने वापस ला के इसी नदी में फेंका। तो देखता है क्या कि वो मछली वापस से जुड़ के पानी में तैरने लग गई। तभी से यहाँ पर कोई भी इन मछलियों को पकड़ता नहीं है। जिस मछली को मछुआरे ने वापस पानी में फेंका था उसे यहाँ के लोकल टुकड़ा मासा कहते हैं और वो टुकड़ा मासा सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही दिखता है, ऐसा यहाँ का लोकल का कहना है और बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। इतना ही नहीं, यूट्यूब पे उस मच्छी के वीडियोस भी अवेलेबल है। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च करो टुकड़ा मासा, यहाँ के काफ़ी सारे लोकल ने उस वीडियो को अपलोड किया है यूट्यूब शॉर्ट में और मैंने भी उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डू चेकआउट। काफी देर तक इन मछलियों को देखने के बाद हम चले गए तालाब में नहाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरा अगला वीडियो होगा अबाउट सीक्रेट वाटरफॉल।